हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस यहाँ पे और एक टीम जो है हमारी बन चुकी है और अच्छे से अब हम खेल पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक अब अच्छे टीम मेंबर नहीं मिलेंगे तब तक। ओ गाइस शिट, हमारी हेल्थ कम हो गई। तो गाइस मैं बता रहा था जब तक अच्छे टीम मेंबर नहीं मिलेंगे तब तक आपका गेम है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये बंदे ने हमें मारा था। और नहीं गाइस, अभी टारगेट लॉक नहीं हुआ है। जिसे हमें मारा था उसका अगर मारेंगे तो उसे क्या आएगा? गाइस एवेंजर आएगा। जी हाँ गाइस, देखो एवेंजर आ चुका है और यहाँ पे चार बंदों को निपटा दिया है गाइस। तो एक और बंदा आया है, उससे भी निपटा दिया है फटाक से। तो गाइस जो भी बंदे आपको मारे होंगे, अगर आप वापस उसे उसी टाइम मारोगे, मतलब उसका भी एक किल होने के पहले मारोगे, तो टारगेट का आपका एक मिशन आएगा, रिवॉर्ड आएगा जो आपको मिलेगा, एवेंजर का रिवॉर्ड। जी हाँ गाइस, एवेंजर का रिवॉर्ड। ओ भाई दो दो बंदे। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे बंदे आ रहे हैं। ओ ये रहा गाइस शिट। तो भाई जिसने हम मारा है वो बंदा एक पिंक कलर का शूट पहन के आया था, ये रहा शायद से ये वो नहीं है। ओ भाई देख रहे हो गाइस, कमाल का बंदा था, वही बंदा था जिसने स्नाइप्स करके मारा। तो ये बंदे दोनों है, शायद एक को हमारे फ्रेंड ने निपटा दिया है, पर कोई नहीं ट्राई करेंगे। ये रहा बंदा और टारगेट एम्बेसडर नहीं गाइस, ये नहीं, टारगेट लॉक्ड ये भी नहीं, मतलब जो बंदे ने मारा था उसका एक किल जो है किसी ने ले लिया है, तभी वो जो टारगेट वाला था वो उसी पर रिवॉर्ड मिलेगा, पर आपको एवेंजर का रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा गाइस। ये शार्क टर्मिनेटर। तो गाइस रिवॉर्ड जो हमें जिसने मारा था वो तो हमें अब इस किल में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी किल है वो। ओ भाई ये कौन है, ये कौन था भाई जो इतना जंप कर रहा था? गाइस मुझे जंप करना नहीं आता, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, मैं नॉर्मल किल करने वाला बंदा हूँ भाई। तो जितना मैं खेल पाता हूँ उतना अच्छा है, मुझे जंप करना नहीं आता तो मैं जंप नहीं कर पाता हूँ, मुझे क्राउच करना नहीं आता तो मैं क्राउच भी नहीं करता हूँ, बस जैसे तैसे खेलता हूँ और जो टारगेट आता है उसे एक बार लॉक कर देता हूँ। तो गाइस देख रहे हो दो दो बंदे यहाँ पे थे और ये बंदा मिस हो गया मुझसे। तो भाई स्नाइपर लेके खड़ा था बंदा, शायद से वो इधर आएगा या नहीं, ये रहा बंदा। तो गाइस टारगेट लॉक का ही हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, अभी तक हमें अच्छे कोई रिवॉर्ड मिले नहीं। कि हाँ गाइस एक बंदा यहाँ से आ रहा था और शायद से वो मुड़ के आएगा, एक और बंदा आया और उसे भी निपटा दिया। तो गाइस देख रहे हो वो साइड से यहाँ पे आ रहा था और कुछ ले रहा था शायद से, जो भी है एवेंजर का टारगेट हमें मिल गया गाइस, उसे बंदे ने हमें मारा था। तो भाई दो तीन 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 बंदे, ओ शिट गाइस कवर करने के लिए कोई था नहीं, चारों चार की स्क्वाड वहीं से आ रही थी। तो एक बंदा हमारे यहाँ पे, ये कैसे हो गया भाई, मतलब तीन चार लोगों को तो मैंने वहाँ पे देखा था। चलो कोई नहीं, जो भी था किल तो हमने कर लिया है। एक बंदा हमारा टॉप पे था और भाई देख रहे हो एक और बंदा आया, स्नाइप करने वाला बंदा है ये, स्नाइपर लेके आ रहे हैं भाई, कमाल के बंदे आ रहे हैं अभी। मतलब देख रहे हो गाइस जैसे आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ खेलोगे तो उनकी आईपी जो हाई रहेगी तो बंदे सामने वाले आपको हाई वाले ही मिलेंगे। और देख रहे हो गाइस तो इन लोग, ओह शिट गाइस। तो गाइस ऐसे प्लेयर के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है, हालांकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर सामने वाला बंदा तगड़ा होगा तभी आपको खेलने में मज़ा आएगा, ताकि आप अच्छे से सीख पाओगे। तो मेरा तो यही मानना है, दो दो बंदे भाई शिट गाइस, पहले को हम टारगेट कर पाते थे दूसरे को नहीं कर पाते, शायद यही नतीजा होता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ खेलोगे। तो ये रहा बंदा टारगेट टर्मिनेटर। ओ भाई फिर से बंदे ने मार दिया। तो गाइस यहाँ पे टारगेट तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट जो ये बंदे है 37 और 38 कर दिए किल, हमारे तो 30 किल हो पाए हैं पूरी टीम के। और देख रहे गाइस मिस कर दिया हमने, एक प्लेयर बचा है, एक ही प्लेयर बचा है हमारी टीम में और वो शायद नहीं था बंदा।
तो उन लोगों ने 30 किए, सॉरी हमने 30 किए, 20 किल गाइस।